इतना यहां आने से? तुम्हें इज्जत कर रही थी, करवाली बेइज्जती। अब चलो यहां से, यहां और बेइज्जत होना है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मंदा तुम जाओ बेटा। ये तुम्हारी बहन एक नंबर की बदतमीज और मकरूर लड़की है। जो कुछ भी इसके साथ हुआ है ना, सही हुआ है, सजा मिली है इसे। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, रिएक्शन तो बनता है। अरे तो हमने मारा है क्या? हमारी वजह से मरा है क्या उसका बच्चा? खुद ही को शौक था ना अकेले रहने का, अलग रहने का, तो अब रहे भुगते। इससे शिफ्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। हजारों लोग हैं जो अलग रहते हैं यहाँ। जो लोग अलग रहते हैं ना वो जिम्मेदार होते हैं, तुम्हारी बहन की तरह फूहड़ नहीं होते। अच्छा आप घर में किसी को इस बारे में मत बोलिएगा प्लीज। कौन से उसके मुंह से फूल जड़े हैं मुंता, तो जाके मैं ये बात घर में सबको बताऊंगा। और वैसे भी ताई अम्मी खड़ी हुई थी वहां पे, सारी कहानी बताएंगी जाके। वो बहुत बदतमीज है, वो ख्याल नहीं किया कि यार कौन खड़ा हुआ है सामने, बोले जा रही है जैसे हमने मारा उसका बच्चा। और तुम कुछ तो जवाब देती उसको, कुछ बोलती तुम उसको? चुपचाप खड़ी हुई बुद्ध बन के सुनती रही तुम, जवाब देती उसको? मैं होता ना तो सीधा कर देता उसको। आपको पता तो है मेरी नेचर का, किसी को जवाब दिया नहीं जाता मुझसे। क्यों क्यों, अपनी बहन को देखा है पलट के जवाब देती है, और तुम बिल्कुल उससे उलट। तो क्या ये ठीक नहीं है? कभी कभार इंसान को अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। पढ़ने की दुनिया ना आपको बेच के खा जाए। आप लड़ते हैं ना मेरे हक के लिए, बहुत है। चलो यार छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हीरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।